गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा था, आपको पढ़ा क्या था, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, है ना, आपको प्रीवियस क्लासेस में ये सब बताए गए थे। अब हमें सक्सेसर एंड प्रीडेसर सर, तो शायद मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ सक्सेसर क्या है, प्रीडेसर क्या है ना, प्रीडिसेसर के बारे में बताया था और सक्सेसर के बारे में ही बता दिया था कि तो हमें क्या करना है। आपको एक 17 नंबर क्वेश्चन से राइट द सक्सेसर नंबर, मैं पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको राइट द सक्सेसर नंबर्स राइट करनी है। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए सपोज 589 है, तो मैंने बताया था आप लोग को कि सक्सेसर मीन्स क्या होता है, परवर्ती संख्या यानी कि बाद वाली संख्या। कौन सी संख्या? बाद वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या सक्सेसर नंबर को बनाने का रूल क्या होता है, गिवेन नंबर प्लस वन, है ना, गिवेन नंबर प्लस वन। तो वन क्या करना है, एड कर देना है, तो 589 प्लस 1 इज इक्वल टू 590। सेकेंड में आपका 601, तो क्या करना है आपको, 601 प्लस 1 इज इक्वल टू 602। अब जो है आपको नेक्स्ट जो होगा वह प्रीडिसेसर नंबर लिखना है ना, क्या कौन सा नंबर लिखना है, प्रीडी सेसर नंबर आपको क्या करनी है, राइट करनी है। तो प्रीडिसेसर नंबर मीन्स क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या, क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या यानी कि पहले वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या क्या करते हैं हम लोग, गिवेन नंबर माइनस वन। सपोज दैट एग्जाम्पल मान लीजिए 789 है, तो 789 है तो इसे क्या करना है, गिवेन नंबर माइनस वन इज इक्वल टू क्या, तो गिवेन नंबर है क्या 789 और माइनस वन इज इक्वल टू 788 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार का आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 903 है, तो क्या होगा बनाने के लिए, गिवेन नंबर माइनस वन इज इक्वल टू क्या 903 और माइनस वन इज इक्वल टू 902 जो हो गए वो आपको क्या हो गया, आंसर हो गए। और आपको इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है राइट द टूज नंबर, राइट काउंटिंग बाय टूज राइट द नंबर फ्रॉम, काउंटिंग बाय टूज राइट द नंबर फ्रॉम, यानी क्या कह रहा है कि आपको जो है वह दो नंबर है ना, आपको क्या करना है, बढ़ाना है वह कहां, और आपको कहां से जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर से आपको स्टार्ट करनी है और उसमें प्लस टू जो है वो क्या करनी है, ऐड करनी है, क्या करनी है, ऐड करनी है। तो जैसे आपका क्वेश्चन से आपका 3,394 आपको मैंने बताया था, मैं पिछली क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि 2, 3, 4 को क्या करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं प्लस टू ऐड कर लेते हैं। तो 3,294 से स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लस टू ऐड करने पर नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3,296 होगा, हो गया ना, 3,296 होगा। तो नेक्स्ट में फिर प्लस टू ऐड करेंगे तो 3,296
298 होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट जो होगा प्लस टू एड करने पर क्या होगा 3300 होगा, और फिर प्लस टू एड करेंगे तो आपको 3302 होगा, और फर्स्ट प्लस टू एड करेंगे तो 3304 होगा, यानी कि 3,292, 3,304। तो सब में क्या किया, प्लस टू एड प्लस टू एड प्लस टू एड प्लस टू, है ना, आपको ऐड करने पर इज 3,294 में प्लस टू एड किया तो 3,296 आपको गेट हुआ, फिर 3,296 में प्लस टू एड किया तो 3,298 आपको गेट हुआ, फिर 3,298 में प्लस टू एड किया तो 3,300 आपका गेट हुआ, और फिर प्लस 3,300 में प्लस टू एड किया तो 3,302 आया, और फिर प्लस 3,302 में प्लस टू एड किया तो 3,304 आपको गेट हुआ। यानी कि आपको जिस प्रकार से टूज कहा गया है ना, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू। यानी कि आपको जो क्या करना है, काउंटिंग में आपको टू जो है वो इंक्रीज करना है, यानी कि ऐड कर देना है, क्या करना है, ऐड कर देना है जो नंबर आपका जो नंबर स्टार्टिंग जो नंबर होगा उस नंबर में ऐड टू ऐड कर देना है, उसी प्रकार जो जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी टू ऐड करना है, फिर जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी आपको प्लस टू ऐड करना है। जब तक ये नंबर आपको प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, आपको टू जो है उसमें इंक्रीज करते जाना है, यानी बढ़ाते जाना है, यानी प्लस करते जाना है, जो है कुछ भी आप कर लीजिए। फिर उसी प्रकार आपका क्वेश्चन से काउंटिंग बाय टेंस, सपोज देन मान लीजिए कि मैं बुक से क्वेश्चंस ना लेकर आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, 4,445 टू 4,485, है ना, काउंटिंग बाय टेंस, टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, टेन, क्या हो जाएगा, टेन। अब टेन जो हो जाएगा तो मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में आपको बताया था कि प्लस जो है क्या करना होता है, टेंस को ऐड करना है, या टेंस आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर लीजिए या बढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो 4,445 में अगर हम प्लस 10 ऐड करेंगे या प्लस 10 जो है इंक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे या प्लस 10 ऐड करेंगे तो आपको कौन सा नंबर गेट होगा। तो 4,445 में प्लस 10 अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आपको गेट होगा, कौन सा नंबर होगा, तो 4,455 होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका जो नंबर आया 4,455 उसमें भी प्लस 10 ऐड करना है तो उसमें भी प्लस 10 ऐड करने पर क्या आपको कौन सा नंबर गेट होगा, तो 4,465। और फिर नेक्स्ट जो होगा वो प्लस 10 ऐड करने पर 4,475, और जो लास्ट है आपका 4,485। तो 4,475 में प्लस ऐड करेंगे, है ना, काउंटिंग 10 क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपको 4,485 जो होगा वो गेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ यानी कि स्टार्टिंग जो नंबर था वो 4,445 था, और जो लास्ट जो नंबर था 4,485 था, यानी 4,445 से लेकर 4,485 तक आपको जो था वो नंबर राइट करना था। तो नंबर राइट करना कैसे था, तो आपको जो स्टार्टिंग से नंबर जो था उस नंबर में प्लस 10 जो काउंटिंग था उसे इंक्रीज करना था या ऐड करना था। तो आप ऐड करेंगे या इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे तो उससे आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा उस नंबर में भी क्या करेंगे, प्लस 10 ऐड करेंगे। यानी कि जब तक ये नंबर हमें गेट ना हो जाए लास्ट नंबर,
तब तक हमें प्लस टेन क्या करना है, ऐड करते ही चले जाना है, या टू जो, थ्री जो, फोर हो, फाइव जो, है ना, जो भी आपका काउंटिंग बाई रहे उसमें आपको, उस नंबर में आपको वो नंबर आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है काउंटिंग बाई टेन्स वो ऐड कर देना है। उसी प्रकार आपका 20 रहेगा तो उस नंबर में 20 ऐड कर देंगे। अगर यदि आपको काउंटिंग बाई 50 रहेगा तो उसमें आपको 50 ऐड कर देना है। ये आपका 100 रहेगा, 60 रहे, ये 70 रहे, 80 रहे, जो भी आपका नंबर रहे उसमें क्या करना है, हमें उस जो नंबर आते रहेंगे उस नंबर में हम क्या करते रहेंगे, ऐड करते जाएंगे जब तक हमें जो लास्ट नंबर हमें गेट न हो जाती हो। इस प्रकार आपका जो भी होगा वो क्वेश्चन आपका क्लियर बन जाएगा। अब नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन बता देता हूं, इसमें थाउजेंड्स का है ना, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, काउंटिंग बाय थाउजेंड, मैंने हंड्रेड का बता दिया था कि आपको उसी प्रकार से करना है और इसमें भी उसी प्रकार से करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट द नंबर्स, राइट द नंबर्स फ्रॉम 2, 5, 7, 8 ऑन व्हाट्स, यानी जो आपका जो स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए, ये देखिए थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स ये वर्ड में है और आपका नंबर में हो जाएगा इस प्रकार। और जो नंबर्स स्टार्ट करनी है वो क्या करनी है, राइट फाइव नंबर आपको करनी है, यानी कि 2578 से ये जो है वो आपको क्या करनी है, प्लस 1000 या सॉरी हाँ 1000 आपको काउंटिंग में इंक्रीजिंग करना है, या आप सीधे सिंपल तौर पे कर सकते हैं कि इसमें 1000 ऐड कर देनी है ना। तो इसमें हम 1000 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3528, ये आपका नेक्स्ट नंबर हो गया, आपको गेट हो गया। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, फिर से आगे 1000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1000 ऐड करने पर क्या होगा, 3578 है और 3578 में 1000 ऐड करेंगे तो 3000 का उत्तर 4578, और 4578 में 1000 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 5578 होगा ना। और फिर नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 5578 में फिर से अगेन हम जो क्या है 1000 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 6578। ओके तो ये जो होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब जो है एक आपको समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा करता हूं, आई होप कि आप यू विल बी अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे होंगे है ना, कि ये जो थाउजेंड्स है और ये जो नंबर है 2578, उस थाउजेंड को क्या कह रहे हैं कि काउंट, क्वेश्चन से आपका अब ध्यान पूर्वक क्वेश्चन समझ लेंगे, काउंटिंग बाय थाउजेंड्स राइट द नंबर्स फ्रॉम, यानी कि आपको जो नंबर गिवन किया हुआ है उस नंबर में थाउजेंड इंक्रीज करना है या थाउजेंड क्या करनी है, ऐड करनी है, जोड़नी है ना, और जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उस नंबर में फिर से हम अगेन क्या करेंगे, 1000 ऐड करेंगे, कितने टाइम, फाइव टाइम, हमें फाइव नंबर जो है वो क्या करनी है, गेट करनी है, फाइव टाइम्स आपको ऐड करना है। और जब फाइव नंबर आपका जो गेट हो जाएगा, फाइंड हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, तब आपको आगे जो है वो नहीं जानेंगे, वही तक आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट
एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। कंप्लीट द पैटर्न में क्यों लिख दे रहा हूं, राइट, कंप्लीट द पैटर्न, ठीक है। आपका नंबर है ना, जो आपका ये अरेंज किया हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये समझना है कि ये इस पैटर्न में कितना जो है नंबर ऐड, कितना डिजिट जो है ऐड किया है इसमें, क्या कौन सा नंबर जो है, कौन सा डिजिट जो है ऐड किया हुआ है, हमें कितना ऐड करना है कि हमें नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हमें गेट होगा। तो 4000 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है ना। 200 200 200, 900 900 900। अब केवल हमें जो वंस के जो प्लेस पे है उसमें डिफरेंसेस लग रहा है, तो वंस के प्लेस में 6 है और यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ का 8 है, यानी आपका जो है वन जो है इसमें क्या करना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा या तो ऐड करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4298 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4200 क्या होगा 99। उसी प्रकार फिर 1 ऐड करेंगे तो 4300 होगा। तो नेक्स्ट जो आपका नंबर होगा वह 4300 क्या होगा 1 होगा, फिर से 1 ऐड करेंगे तो 4300 क्या होगा 2 होगा, और फिर जो लास्ट है आपका उसमें 1 ऐड करने पर क्या आपको गेट होगी, तो 4303 आपको गेट होगी। यही जो होगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। अब जो है आपका जो जो और भी सारे इसमें क्वेश्चन है, इस ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इसे जो है बना लेंगे। और नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स कहता है कि प्लेस होल्डर इज द सेम इज द न्यूमरल हुज प्लेस वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम, यानी कि वह कौन सा संख्या है जिसका जो स्थानीय मान होता है वह हमेशा सेम ही होता है। तो कौन सा होगा, कौन सा डिजिट होना चाहिए, कौन सा न्यूमरल होना चाहिए, क्या होगा 0 होगा, है ना, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर या डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आपको 0 ही ऐड सॉरी 0 ही गेट होगा आपको, है ना। अब द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9801 इज क्या होगा, मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, फिर आप जो है वह द फेस वैल्यू सॉरी द फेस वैल्यू ऑफ 9801 में आपका क्या होगा। तो फेस वैल्यू इज क्या होता है अंकित मान होता है ना, अंकित मान होता है ना, यानी कि मैंने बताया था आपको कि उस नंबर में जो डिजिट होते हैं वो डिजिट सेल्फ ही फेस वैल्यू होता है। तो सेल्फ फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9, ये आंसर हो जाएगा। अब यही रहता आपका प्लेस वैल्यू, है ना, प्लेस वैल्यू आपको निकालने के लिए इन 9801 में, है ना, फाइंड द क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9801 में आपको प्लेस वैल्यू निकालना था, किसका आपको फाइंड कर रहे हैं, तो 9 का। तो मैंने आपको बताया था 9801 में आपको क्या करना है, वंस टेंस
हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो नाइन जो है इस नंबर में, नाइन जो डिजिट है वह उस इस नंबर में उस डिजिट का जो फेस वैल्यू है ना, एक्चुअल में क्या है वह थाउजेंड के प्लेस पे क्या है, थाउजेंड के पोजीशन पे क्या है स्थित है ना। तो थाउजेंड के प्लेस पे स्थित है, तो इसमें इस डिजिट का क्या आपका डिजिट कौन सा है, नाइन, और यह कौन से पोजीशन पे है, थाउजेंड के पोजीशन पे। इसमें मैं थाउजेंड से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको गेट होगा वही इसका प्लेस वैल्यू होगा, तो 9000 प्लेस वैल्यू का आंसर होगा। और आप जो है वो इस फिल इन द ब्लैंक्स में 5-6 क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे और ये जो आपका चैप्टर हो गया वो एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लासेस में पढ़ेंगे वो आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना होगा, कंपेरिजन ऑफ नंबर पढ़ना है और नहीं नंबर्स पढ़नी है ना। तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही।